दोस्तों इंडिया बनाम इंग्लैंड के बीच खेला गया टी20 वर्ल्ड कप 2024 का सेमीफाइनल मुकाबला, जो दोनों टीमों के लिए फाइनल में पहुंचने के लिए डू और डाई मुकाबला रहा, जिसमें रोहित शर्मा ने कप्तानी पारी खेलते हुए बनाया ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड जो कभी टूट नहीं सकता और इंग्लैंड के बॉलर्स के पसीने छुड़ा दिए। वहीं सूर्यकुमार यादव बने मैच के हीरो और वहीं भारतीय टीम ने लिया इंग्लैंड की टीम से कई सालों पुराना बदला जो कभी वह भूल नहीं पाएंगे। तो दोस्तों जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक, जहां आप जानेंगे टी20 वर्ल्ड कप 2024 इंडिया बनाम इंग्लैंड के फाइनल मैच का पूरा हाईलाइट और इस रोमांचक मुकाबले को कभी भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इंग्लैंड से मैच से पहले ही टीम इंडिया काफी बढ़िया फॉर्म में चल रही थी, जहां भारतीय टीम का आत्मविश्वास सातवें आसमान पर था क्योंकि उन्होंने टूर्नामेंट का एक भी मुकाबला नहीं हारा था और टीम इंडिया अपना पिछला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम को पछाड़ कर आई थी और कंगारुओं से लिया था ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल मुकाबले का बदला। और आप भी वह मैच का पूरा हाईलाइट देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक दे दूंगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब बारी थी इंग्लिश टीम की, जिसने टीम इंडिया को 2022 के टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में 10 विकेट से करारी शिकस्त दी थी। इंग्लैंड का बदला अभी बाकी था। वहीं 2024 टी20 वर्ल्ड कप का यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए फाइनल में पहुंचने के लिए करो या मरो वाला हो गया। वहीं आखिर में सभी ने ऐसा मंजर देखा जिसने क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। तो दोस्तों अब बात करते हैं मैच के हाईलाइट की, तो यह महा मुकाबला वेस्ट इंडीज के ऐतिहासिक प्रोविडेंस स्टेडियम में खेला गया, जहां जॉस बटलर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और रोहित शर्मा ने भी इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि वह भी पहले बल्लेबाजी करना पसंद करते। भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग करने उतरे कप्तान रोहित शर्मा और किंग कोहली। भारत की शुरुआत अच्छी रही, दोनों बल्लेबाजों ने शुरू के ओवर में संभल कर खेला, जहां पहले ओवर में रोहित शर्मा ने एक चौका लगाकर पहले ओवर से 6 रन जोड़े और आर्चर के दूसरे ओवर में मात्र 5 रन ही निकल पाए। वहीं तीसरे ओवर में विराट कोहली ने हाथ खोलना चाहा और रीस टॉपली को दूसरी बॉल पर जबरदस्त छक्का लगाया, जहां से लगा विराट कोहली अपने रौद्र रूप में दिखाई दे रहे हैं और विराट कोहली ने अपना विराट अंदाज अपना लिया है। वहीं देखते ही देखते तीसरी बॉल पर विराट कोहली सिक्स मारने के चक्कर में अपना अहम विकेट गवा बैठे, जिसके चलते टीम का स्कोर 3 ओवरों तक मात्र 19 रन पर 1 विकेट हो चुका था। वहीं पूरी जिम्मेदारी अब कप्तान रोहित शर्मा के कंधों पर थी और अब क्रीज पर ऋषभ पंत आए और दोनों बल्लेबाजों ने डट कर बल्लेबाजी की और 5 ओवर तक टीम इंडिया का स्कोर 40 पर 1 विकेट हो चुका था और रोहित शर्मा 25 रन पर खेल रहे थे। और वहीं पावर प्ले के अंतिम ओवर में सैम करन ओवर डालने आए और पहली बॉल पर ऋषभ पंत का विकेट ले लिया, जहां से टीम इंडिया के संकट के बादल नजर आ रहे थे। अब जोड़ी थी सूर्यकुमार यादव और रोहित शर्मा की और वहीं अब सारा दारोमदार दोनों बल्लेबाजों के कंधे पर आ चुका था और वहीं दोनों बल्लेबाजों ने अपना काम बखूबी किया। वहीं 7वें ओवर में रोहित शर्मा ने आदिल रशीद को 2 चौका लगाकर ओवर से 9 रन निकाले और अब 7वें ओवर तक टीम इंडिया का स्कोर 55 पर 2 विकेट हो चुका था और रोहित शर्मा 35 रन बनाकर खेल रहे थे। और सैम करन के 13वें ओवर में रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव ने अपने हाथ खोले और रोहित शर्मा ने 6 लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया और वहीं ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने सैम करन को लगाए 3 छक्के और जिसके चलते ओवर से 20 रन भी निकले। और वहीं अब रोहित शर्मा 55 बनाकर खेल रहे थे और सूर्यकुमार यादव भी 38 रन बनाकर रोहित शर्मा का पूरा साथ दे रहे थे। और 13.4 ओवर में रोहित शर्मा आदिल रशीद की बॉल पर बोल्ड हो गए और रोहित शर्मा अपना काम कर चुके थे। वहीं 57 रन की एक अहम पारी खेली और पवेलियन लौट गए और अब टीम का स्कोर 113 पर 3 विकेट हो चुका था। अगले बल्लेबाज हार्दिक पांड्या क्रीज पर आए और आते स्कोर बोर्ड को चलाते रहे। वहीं 15.4 ओवर में सूर्यकुमार यादव 37 रन बनाकर आर्चर के बॉल पर बोल्ड हो गए और अब टीम का स्कोर 124 पर 4 विकेट हो चुका था और टीम इंडिया बैकफुट पर आती हुई दिखाई दे रही थी। वहीं हार्दिक पांड्या ने मात्र 13 बॉलों पर 23 रन की एक तूफानी पारी खेली और 18वें ओवर में जॉर्डन को विकेट दे बैठे और वहीं 18 ओवर के बाद टीम का स्कोर 146 पर 5 विकेट हो चुका था। वहीं आखिर के ओवर में रविंद्र जडेजा ने 70 रन जोड़े और वहीं अक्षर पटेल ने भी 10 रन का योगदान दिया, जिसके चलते टीम इंडिया 20 ओवरों में 7 विकेट खो मात्र 171 रन ही बना पाई। अब बारी थी इंग्लैंड के बल्लेबाजों की, 171 रन का लक्ष्य आसान नहीं था, लेकिन उनके पास जॉस बटलर, फिल साल्ट और जॉनी बेयरस्टो जैसे धुरंधर खिलाड़ी थे। इंग्लैंड की ओर से ओपनिंग करने आए फिल साल्ट और कप्तान जॉस बटलर दोनों ही खतरनाक बल्लेबाज की सूची में आते हैं। वहीं दूसरी पारी का पहला ओवर लेकर आए हरदीप सिंह ने केवल 5 रन खर्च किए। जसप्रीत बुमराह ने भी रन देने में काफी कंजूसी की, लेकिन ज्यादा देर तक इंग्लिश बल्लेबाजों को शांत रखना नामुमकिन था। और वहीं हरदीप सिंह के दूसरे ही ओवर में जॉस बटलर ने लगाए लगातार 3 चौके और बटलर अपना आक्रामक रूप दिखा चुके थे और मात्र 14 बॉलों पर 23 रन पर खेल रहे थे। अब टीम इंडिया को बटलर के विकेट की जरूरत थी, ऐसा हुआ भी।
वहीं अक्षर पटेल मैच का चौथा ओवर लेकर आए और पहली बॉल पर बटलर को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और बटलर कैच आउट होकर 23 रन बनाकर पवेलियन लौट चुके थे। इसके चलते इंग्लैंड टीम का स्कोर 26 पर एक विकेट हो चुका था। वहीं देखते ही देखते चौथे ओवर की चौथी बॉल पर जसप्रीत बुमराह ने खतरनाक दिख रहे फिल सॉल्ट के स्टंप उखाड़ दिए और यहां से टीम इंडिया की जीत के आसार दिखाई दे रहे थे। अब दोनों ओपनिंग बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। वहीं इंग्लैंड टीम का स्कोर 34 पर 2 विकेट हो चुका था। अब जोड़ी थी मोइन अली और जॉनी बेयरस्टो की। वहीं दोनों बल्लेबाज सस्ते में अपना विकेट गवा बैठे और मोइन अली मात्र 8 रन बनाकर पवेलियन लौटे और वहीं बेयरस्टो अपना खाता भी नहीं खोल पाए और अक्षर पटेल ने होल्ड कर दिया। 7वें ओवर के बाद 40 पर 4 विकेट हो चुके थे। यहां से इंग्लैंड की टीम को कोई चमत्कारी मैच जिता सकता था। वहीं हैरी ब्रोक ने कुछ रन जोड़ने की कोशिश की लेकिन कुलदीप यादव ने हैरी ब्रोक को मात्र 25 रन पर ही आउट कर दिया। वहीं इंग्लैंड के कोई भी बल्लेबाज 30 रन का आंकड़ा भी नहीं छू सके और देखते ही देखते 16.4 ओवरों में इंग्लैंड टीम 103 रन पर ऑल आउट हो गई और वहीं इंग्लैंड के बल्लेबाज अक्षर पटेल और कुलदीप यादव को नहीं खेल पाए जिसके चलते उन्हें मैच गंवाना पड़ा और टीम इंडिया इस मुकाबले को 68 रन के बड़े अंतराल से जीत गई और फाइनल का टिकट भी पक्का किया और वहीं 2022 20 वर्ल्ड कप की इंग्लैंड से हार का बदला भी लिया। यह एक बेहद रोमांचक मुकाबला था जिसमें टीम इंडिया ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी और सदी हुई बल्लेबाजी के दम पर जीत हासिल की और रोहित शर्मा ने शानदार नेतृत्व किया और वहीं 57 रन की एक मैच विनिंग पारी भी खेली और वहीं अक्षर पटेल ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 महत्वपूर्ण विकेट निकाले जिसके चलते मैन ऑफ द मैच चुना गया। वहीं इंग्लैंड ने भी अंत तक संघर्ष किया लेकिन इंडिया के बॉलर्स के आगे उनकी एक नहीं चली। तो दोस्तों कैसा लगा आपको यह मैच का हाईलाइट हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।